हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर हम देखेंगे। इससे पहले जो है 2022 वगैरह के पेपर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो एक प्लेलिस्ट ही बनाकर रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना है, सारी वीडियोस मिल जाएंगी ओल्ड पेपर की, ठीक है। और आप 2 साल के पुराने पेपर आप देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन लगभग जो है पेपर में फंस ही जाते हैं, तो 2 साल क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो ओल्ड पेपर ज़रूर आपको पढ़ना है। पास कितने अंक में होते हैं वो भी आगे बताएंगे। आप जो है ये क्वेश्चन पेपर आपको देखकर आइडिया हो जाएगी किस प्रकार के पेपर में जो है क्वेश्चन आते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के। तो भाई ये पेपर है जूलॉजी का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, तो देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ताकि आपके यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर सकें, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको भी जो है अपनी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देखना है तो, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 3 घंटे का समय दिया रहता है, ठीक है, पेपर में 40 अंक का पेपर होता है। इसमें पासिंग अंक की बात करें 14 अंक पासिंग अंक है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 80 अंक का पेपर हो, 75, 70, 50 अंक, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है दो अंक के क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन के अंक बढ़ा के 5 अंक कर देता हो, लेकिन क्वेश्चन तो सेम आते हैं, तो क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है, अंक वंक पर नहीं जाना है, ठीक है। तो देख लेंगे हम, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। सेक्शन ए की यहाँ पर बात आती है, तो विकल्प यहाँ से पूछे हैं, सेक्शन ए पे जो है विकल्प पूछे हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो है 5 विकल्प पूछते हैं, तो विकल्प के बाद क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, तो विकल्प को भी आपको जो है देख लेना है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन में जाके विकल्प ही पढ़ना है। तो भाई करेक्ट आंसर भी इनका आपको बता देना है नीचे कमेंट करके। मेटाजोआ में आते हैं, मेटाजोआ में क्या आते हैं, सार्कोडीना, प्रोटिस्टा, निडेरिया, स्पोरोजोआ, ठीक है, ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर विकल्प की बात करें, तो अगला विकल्प यहाँ पर आ जाता है ट्रेकिया श्वसन अंग है, ठीक है। ट्रेकिया में जो है श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया श्वसन अंग है किसका, कीट का, केचुए का, घोगा का, चूहा का, ठीक है। यदि आपको जो है यहाँ वर्ड आपको दिख रहे नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूँ, उनको आप जो है सुन सकते हैं, ठीक है। किस संघ के जीवों में उत्सर्जी अंग प्लावक कोशिका है, सॉरी ज्वाला कोशिका है, प्लेटी हेलमेंथिस, पोरीफेरा, एनेलिडा, प्रोटोजोआ, करेक्ट आंसर नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले यहाँ विकल्प की ओर हम बढ़ेंगे, चूँकि 4थे नंबर का विकल्प है, किस जंतु के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं पाया जाता, केचुआ, झींगा, हाइड्रा, कीट, ठीक है। किस जंतु के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं पाया जाता, तो भाई केचुआ, झींगा, हाइड्रा, कीट, करेक्ट आंसर तो आपको प्लीज़ बताना ही है। अगला है विकल्प है क्या, किस संघ के जीवों में बहुभुर्ता पाई जाती है, प्लेटी हेलमेंथिस, अगला विकल्प यहाँ पर है, एनेलिडा, पोरीफेरा, और यहाँ पर दिया है अगला विकल्प यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये बता दीजिएगा क्या, पैराजोआ है यहाँ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पीडीएफ ही बेकार दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ही यहाँ पर मांगा गया था, तो थोड़ी सी बेकार है, बाकी क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है वो 5 अंक के पूछते हो, लेकिन यहाँ पर जो है कम अंक का पेपर होता है 40 अंक का, इसलिए जो है इनके अंक भी कम करके 2 अंक कर दिया है। आपकी इसमें अगर ज़्यादा अंक का पेपर होता होगा तो 5 अंक के क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन इस टाइप के, तो देख लेना है, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। इकाई 1 से यहाँ पर पूछा है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में, मेटाजोआ की उत्पत्ति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है, मेटाजोआ की उत्पत्ति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चनों को लिख लेना या टिक मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगला यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, उसके अथवे की बात आती है, 2 अंक के पहले इकाई से हम क्वेश्चन देखे थे, उसके अथवे की बात आती है, तो देह गुहा, ठीक
ठीक है, दे गोवा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। सा राइट अ शॉर्ट नोट नोट ऑन कोलम्स, ठीक है, कोलम्स। इकाई दूसरे के यहाँ पर बात आती है तो दूसरे से पूछा है किसी एक पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। फिल्टर, फिंडिंग, और यहाँ पर निमेट, क्या है, निमेटज, निमेटजोआ में पाचन, ठीक है, निमेटजोआ में पाचन। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है तीसरे यूनिट से वो है ग्रीन ग्रीन ग्लैंड पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम। अथवे की बात आती है तो निम्न अकशेरुकी में उत्सर्जन की क्रिया को समझाइए, ठीक है, निम्न अकशेरुकी में उत्सर्जन की क्रिया को समझाना था। चौथे यूनिट से 2 अंक के प्रश्न के लिए पूछा है हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र बनाना है, चूँकि 2 अंक के लिए पूछा है तो चित्र पर्याप्त है, और आप थोड़ा बहुत हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन भी कर सकते हैं। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो प्राण के तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको आवश्यकता अनुसार जो है, ये तो भाई जूलॉजी है तो आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा, तो प्राण के तंत्रिका तंत्र का संक्षिप्त में वर्णन करना था। यूनिट 5 से यहाँ पर प्रश्न पूछा था संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जो कि 2 अंक के लिए है। बाइपिनेरिया लार्वा और इक्टोप्रोक्टा, ठीक है, इक्टोप्रोक्टा, बाइपिनेरिया लार्वा या जो है इक्टोप्रोक्टा, कोई एक पर निबंध जो है टिप्पणी लिखना था, निबंध लिखना था, एक ही बात है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है तो सेक्शन सी पर दिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो ये 2, ये 5 अंक या 10 अंक इस टाइप के क्वेश्चनों में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन कैसे हैं। संघ प्रोटोजोआ में संघ प्रोटोजोआ में प्रचलन के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है, प्रचलन के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा है क्या प्रश्न, हाइड्रोस्टेटिक गति पर एक निबंध लिखिए। हाइड्रोस्टेटिक गति पर एक निबंध लिखिए, चूँकि दीर्घोत्तरी में इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। इकाई दूसरा से यहाँ पर बात आती है तो प्रश्न पूछा है क्या, संघ मोलस्का में श्वसन अंग एवं श्वसन की विभिन्न विधि का वर्णन कीजिए। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा है क्या, श्वसन वर्णक पर एक निबंध लिखिए। वहीं पर तीसरे यूनिट की बात आती है तो पूछा है विस्तार से वर्णन कीजिए कोई 2 पर, नेफ्रिडिया, मेलपिगी नलिकाएं और बोजेनॉर, क्या है, बोजेनरा का अंग, और संघ प्रोटोजोआ में परासरण नियमन, ठीक है, संघ प्रोटोजोआ में परासरण नियमन। तो आप देख लीजिएगा, आपका सिलेबस है, आप कर रहे हैं तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर्ड सामान है तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं या अंदाज लगा सकते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चूँकि यूनिट 4 से है 4 अंक के प्रश्न के लिए, संघ इकाइनोडर्मेटा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। खैर यहाँ पर पीडीएफ में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पता है वीडियो में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, संघ इकाइनोडर्मेटा के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवे में दिया है क्या, संघ मोलस्का के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, आपको जहाँ आवश्यक है वहाँ चित्र जरूर आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। 5वें यूनिट की यहाँ पर बात आती है तो प्रश्न पूछा है किन्हीं 2 क्रस्टेशिया लार्वा की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है, क्रस्टेशिया लार्वा की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है कोई 2 पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है। पहला है ग्लोचीडियम लार्वा, पहला हो जाता है, और दूसरा यहाँ पर है मार्केंसिया लार्वा, ठीक है, मार्केंसिया लार्वा क्या होता है आपको पता ही होगा, और यहाँ पर जो लास्ट में दिया है रोटीफेरा, ठीक है, रोटीफेरा पर आपको जो है यहाँ पर टिप्पणी लिखना था, तो देख लेना है, ये सभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट, इसलिए मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है जूलॉजी का। तो ये था भाई जूलॉजी का 2nd पेपर, चूँकि काफ़ी पीडीएफ ख़राब थी, ठीक है, आप जो है मैं जो पढ़ रहा था वो क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं।
ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लियर क्लियर है, इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी क्लियर था, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर पाए। और हमारे चैनल पर जूलॉजी के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।